हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज शुरू की है, तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे 19, 20 और 21 तारीख का जितना भी हमारा करंट अफेयर आया उसके बारे में। ठीक है, हम पिछले दो तीन दिन से हमने करंट अफेयर की क्लास नहीं बनाई थी, तो मैंने सभी जितना भी करंट अफेयर था उस सबको एक ही क्लास में कंबाइन कर दिया। ठीक है, ताकि आप इसको इकट्ठे से मतलब लिख सके और याद भी कर सके। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने लिखा है, हरियाणा के किस संस्थान से सरसों की नई किस्म RH725 विकसित की गई है। क्या नाम है इसका? RH725। और किस चीज की किस्म है? ये है आपके सरसों की। ठीक है, तो ये आपको नाम से ही पता लग गया होगा, क्योंकि हमारे हरियाणा में एक ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जो किसके लिए काम करती है, कृषि संस्थानों के लिए काम करती है, कृषि से रिलेटेड काम करती है ना। तो उसका नाम क्या आपके HAU। क्या नाम है? HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि बताइए हरियाणा की ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने सोनाली मेथी की जो किस्म है वो विकसित की है ना। मैंने दो तीन दिन पहले की क्लास में आपको कराया था, तो उसका नाम क्या था? सोनाली मेथी। तो सोनाली मेथी की जो किस्म थी वो भी किसने विकसित की थी? HAU ने। ठीक है, तो HAU ये ऐसे मतलब अगर आपके एग्जाम इस तरीके की किस्म से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो वो किसमें जाएगा? HAU में, क्योंकि आप किसने भी ये किस्मों से रिलेटेड काम करती है, HAU यूनिवर्सिटी ही करती है। ठीक है, अब HAU यूनिवर्सिटी कहाँ है आप सभी जानते हैं, हिसार में 1970 में बनी थी। बाद में इसके नाम में CCS जोड़ा गया चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर, इसको हम जानने लगे। ठीक, कब जोड़ा गया CCS इसमें? 1991 में। ठीक है, तो ये दो तीन क्वेश्चन है जो आप अपने मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी पूछा जाता है, बताइए इसमें CCS कब ऐड किया गया, ये यूनिवर्सिटी कब बनी थी। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। इसके बारे में हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना, ये क्या है? एक योजना है जो क्या देती है? कृषि संबंधी जितने भी यंत्र होते हैं, यानी कि उपकरण है जिससे कृषि करना क्या हो जाता है, थोड़ा सा आसान होता है, तो उसके लिए अनुदान योजना के तहत जो हमारी हरियाणा सरकार है, मतलब जो भी ये कृषि यंत्रों को खरीदेगा उस पर कितने रुपए का अनुदान राशि देगी, मतलब कितने परसेंट तक की अनुदान देगी या रियायत देगी एक किस्म से, तो 80% क्या मिलेगा इस पर? अनुदान राशि मिलेगी। और ये ऐसे उपकरण होंगे जो आधुनिक उपकरण होते हैं जिससे कृषि करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हरियाणा सरकार ऐसा कहती है कि जो भी ऐसे उपकरणों को खरीदता है उस पर हरियाणा सरकार क्या देती है? 80% की अनुदान राशि देती है। तो ये कौन सी योजना के तहत दिया जाता है? हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना। तो इसके तहत कितना मिलता है? 80% अनुदान मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। मैंने लिखा वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकॉर्ड में, क्या है? वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकॉर्ड में चौथा मेडल हरियाणा के किस खिलाड़ी ने जीता है? हाल ही में मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले वाली क्लास में कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकॉर्ड में यश फोगाट ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। ठीक है, और इन्होंने ऐसा करके क्या स्थापित किया है? रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। तो इसमें जो चौथा मेडल है वो किसके द्वारा जीता गया? इसमें चौथा मेडल जीता हमारे बजरंग पूनिया ने, जो कहां से बिलोंग करते हैं? झज्जर के रहने वाले हैं। और ये बजरंग पूनिया वही है जो भी कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल लेकर आए थे, है ना, ओलंपिक्स गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए थे। तो एक वर्ल्ड चैंपियनशिप जो रिकॉर्ड है ये कहाँ पर हो रहा है, इसका जो आयोजन है वो कहाँ हो रहा है? बेलग्रेड में। कहाँ पर है? सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। ठीक है, तो बेलग्रेड में इसका आयोजन हो रहा है, और इसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। इससे रिलेटेड हमारे दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन गए, एक विनेश फोगाट से संबंधित है और एक इससे रिलेटेड हो गया बजरंग पूनिया से। बजरंग पूनिया झज्जर के रहने वाले हैं, ओलंपिक में मेडल लेकर आए थे, है ना, और कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड भी जीता है। और ये बेलग्रेड, सर्बिया के बेलग्रेड में इसका आयोजन किया जा रहा है, और यहाँ पर इन्होंने क्या जीत लिया है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये आपको याद रखना है। और कितने केजी में इन्होंने ये मेडल जीता है? 67 केजी में। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि इनको यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा चोट भी लग गई थी, फिर भी ये खेले और इन्होंने क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बाद हरियाणा लोक प्रशासन हिप्पा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? आपके गुरुग्राम में है। हिप्पा भी क्या है? किन लोगों को ट्रेनिंग देता है ये? जिस तरीके से आपके जो स्टेट PCS होता है, जैसे हरियाणा PCS का जो एग्जाम देते हैं, हरियाणा में जो STM लगते हैं, जो आप HCS का एग्जाम देकर आए थे, है ना, अगर आपके HCS लग, मान लो आपका एग्जाम क्लियर हो जाए और आप HCS बन जाते हैं, तो आपकी क्या होगी? ट्रेनिंग होगी। तो वो ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? गुरुग्राम में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हमारे गुरुग्राम में। इसका नाम क्या? हरियाणा लोक प्रशासन
आयोग। तो हिप्पा, हिप्पा में किस जिले में एक विशेष फाउंडेशन कोर्स शुरू किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? गुरुग्राम में। ठीक है, कहाँ हुआ इसका कोर्स शुरू? गुरुग्राम में। तो कैसा कोर्स है? फाउंडेशन कोर्स है। तो हिप्पा का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो आपका एससीईआरटी है, जो आपका स्टेट पुस्तकें छापता है, उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। हिप्पा का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, इस जिले में एक विशेष फाउंडेशन कोर्स शुरू किया। फाउंडेशन कोर्स है ये किसके लिए होगा? जैसे जो अधिकारी होते हैं, जो भारतीय पुलिस सेवा में है, भारतीय रेलवे सेवा में, उन सभी जितने भी अधिकारी है ना, उन सबके लिए क्या है ये फाउंडेशन कोर्स है। तो उनके लिए फायदेमंद होगा, मतलब उनके लिए हेल्पफुल है ये। ठीक है, हमारे जैसे लोग इसमें नहीं जा सकते हैं, जो किसी ने किसी सिविल सर्विसेज में है उनके लिए बनाया गया है। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया? हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, इनके सलाहकार है अमित खरे। तो अमित खरे जी के द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। और कहां पर किया गया है? गुरुग्राम में। तो ये पॉइंट्स जो है वो आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, तो हिप्पा में किस जिले में एक विशेष फाउंडेशन कोर्स शुरू किया गया है? तो गुरुग्राम में। ये कोर्स किससे रिलेटेड होगा? जो भी सिविल सर्विसेज में जो अधिकारी है उनके लिए है। और इसका जो इनॉग्रेशन है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, उनके सलाहकार है जिनका नाम है अमित खरे, उनके द्वारा यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। इसके बाद किस कार्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी शिक्षा विभाग टेबलेट वितरित करेगा? तो ये क्या है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब आप क्लास में हमने एक बार पहले पढ़ा था, जब हम करंट अफेयर कर रहे थे, कि जो हरियाणा सरकार उसने क्या किया है, बच्चों को टेबलेट बांटे हैं, है ना। तो उसमें क्या होगा, जो 10वीं 12वीं तक के बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होगा, उसमें फायदा होगा, मतलब उनको सभी कोर्सेज रिकॉर्ड मिलेंगे उस टैबलेट में, नेट फ्री मिलेगा। तो इस तरीके की बहुत सारी सुविधाएं दी गई थी। तो उसी प्रकार से अब जो आपके 9वीं क्लास के बच्चे, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी हरियाणा सरकार क्या कर रही है, टेबलेट बांट रही है। तो कौन सी स्कीम के तहत बांटे जाएंगे? तो उसका नाम है बुनियाद। क्या नाम है इसका? बुनियाद। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्या पता आपके एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि बताइए कौन सी स्कीम के तहत टेबलेट बांटे गए, है ना। तो इसका नाम क्या है? बुनियाद है। तो ये आपको याद रखना है। तो कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों को हरियाणा सरकार अब वो टेबलेट बांटने जा रही है? 9वीं कक्षा के। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में मछली पालन से संबंधित टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी? मैंने आपको झज्जर की क्लास पढ़ाई थी, है ना, झज्जर जिले के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर क्या है, जो मछली संस्थान है यानी कि मछली उत्कृष्टता केंद्र है वो बनाया गया है ना, एक सजावटी मछली का बनाया गया। तो दो क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए थे। तो सजावटी मछली का तो कहाँ पर था? आपके झज्जर में था। और जो मछली का था वो कहाँ था? भिवानी में। यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर मछली पालन से संबंधित टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी? तो ये कहाँ पर स्थापित की जा रही है? सिरसा में। कहाँ पर होगी ये स्थापित? सिरसा में। ठीक है, इससे पहले जो भी ये मछली टेस्टिंग के लिए इन लोगों को जाना पड़ता था, जो मछली पालन करते हैं, तो उन्हें रोहतक में जाना पड़ता था, परंतु अभी इन्हें क्या मिल जाएगी यहाँ पर? सुविधा मिल जाएगी सिरसा। तो ये कहाँ पर होगा? सिरसा में होगा। हरियाणा के किस जिले में मछली पालन से संबंधित टेस्टिंग की लैब बनाई जा रही है? आपके सिरसा में। तो ये आपको याद रख लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन था, कौन से संस्थान में सरसों की नई किस्म RH725 विकसित की गई है? तो ये कहाँ पर विकसित की गई? आपके HAU में। इसके बाद हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि उपकरण खरीदने पर 80% की क्या मिलेगी अनुदान राशि किसानों को दी जाएगी? वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकॉर्ड में 4था मेडल किसके द्वारा जीता गया? हमारे बजरंग पुनिया के द्वारा। वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो कहाँ पर आयोजित की जा रही है? सर्बिया के बेलग्रेड में। ठीक है, इसके बाद हरियाणा लोक प्रशासन में किस जिले में एक विशेष फाउंडेशन कोर्स स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित हो रहा है? आपके गुरुग्राम में हो रहा है। और किसके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है? अमित खरे के द्वारा। इसके बाद किस कार्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी शिक्षा विभाग टैबलेट वितरित करेगा? तो ये कौन सी स्कीम है? बुनियाद। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में मछली पालन से संबंधित टेस्टिंग स्लैब स्थापित की जाएगी? तो कहूंगी सिरसा में। ठीक है, इसके बाद जितने हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, फिर हम उनके बारे में भी डिटेल से जानूंगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने लिखा है, हरियाणा राज्य में ट्रांसजेंडर लोगों की सुरक्षा के लिए कौन सी सेल बनाई जाएगी? तो इनके लिए क्या बनेगी? ट्रांसजेंडर के लोगों के लिए सुरक्षा सेल बनाई जाएगी, जिसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल। क्या नाम है इसका? ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल। ठीक है, तो ये किसके लिए बनाई जाएगी? ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, मतलब इनकी सुरक्षा के लिए इस सेल का निर्माण किया जाएगा, ताकि इन्हें किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। इसके बाद हरियाणा की खिलाड़ी, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा की खिलाड़ी जिसका नाम है कीर्ति ढुल, क्या नाम है इनका? कीर्ति ढुल। कहाँ की रहने वाली है ये? कैथल की रहने वाली है। ठीक है, इन्होंने सर्बिया के बेलग्रेड में जो प्रतियोगिता थी उसका आयोजन किया गया था। और कौन सी प्रतियोगिता में? इंटरनेशनल ग्लव्स बॉक्सिंग स्पर्धा में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। तो इम्पोर्टेंट है ये आपका बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन,
क्या नाम है इनका, कीर्ति ढुल। और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था, सर्बिया में, सर्बिया के बेलग्रेड में, इंटरनेशनल ग्लव्स प्रतियोगिता में, जो ग्लव्स पहनकर बॉक्सिंग खेलते हैं उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। ठीक है, तो कहाँ से बिलोंग करती है ये, कैथल की रहने वाली है। ठीक है, और गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में कपिल देव, इसके बाद मैंने लिखा है हरियाणा के किस जिले में कपिल देव इन्विटेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, तो किसका आयोजन होगा, गोल्फ टूर्नामेंट का, यानी कि यहाँ पर जो गोल्फ है वो खेला जाएगा, तो कहाँ पर होगा इसका आयोजन, आपके गुरुग्राम में। ठीक है, और ये किस किस के द्वारा हो रहा है, कपिल देव प्लस कंसल्टेंट फर्म ग्रांड टूर्नामेंट इसको क्या कर रही है, लॉन्च कर रही है, और जो ये प्रतियोगिता है कहाँ पर होगी, गुरुग्राम में होगी। ठीक है, और कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा, 27 से 30 सितंबर तक इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा, और ये जो प्रतियोगिता है ये कहाँ पर होगी, गुरुग्राम के डीएलएफ गोल्फ एंड सेंटर क्लब में होगी। ठीक है, कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा, डीएलएफ गोल्फ एंड सेंटर क्लब गुरुग्राम में, कब से कब तक होगी, 27 से 30 सितंबर तक। ठीक है, तो इतने दिन तक चलेगी, यहाँ पर कौन आएंगे, कपिल देव, ठीक है, और कंसल्टेंट फर्म ग्रांड टूर्नामेंट, इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, आपके गुरुग्राम में। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है ये अभी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया, यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं ना कि पंजाब का राज्यपाल कौन है, तो पंजाब के राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। इन्होंने किसे सम्मानित किया है, हमारे हरियाणा के एक व्यक्ति है जिन्हें पुलिस पदक से सम्मानित किया। ठीक है, किसे सम्मानित किया है, पुलिस पदक से, तो इनका नाम है दलवीर सिंह। ठीक है, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, दलवीर सिंह झज्जर के रहने वाले हैं, आपके थर है आपके, इन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पुलिस पुरस्कार से, किससे, पुलिस पदक से इन्हें सम्मानित किया गया, और किससे सम्मानित किया, बनवारी लाल पुरोहित यानी कि पंजाब के राज्यपाल ने इन्हें सम्मानित किया। तो इसके बारे में भी मैंने आपको जब झज्जर जिले के बारे में बताया था तो पूरा इनके बारे में बताया था। ठीक है, इसके साथ साथ 26 जनवरी 2022 को हमारे हरियाणा के दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ठीक है, उनमें से एक का नाम था ममता और एक का नाम था सुरेंद्र सिंह। ठीक है, तो ये दो व्यक्ति थे जिन्हें किससे सम्मानित किया गया, पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था, कब किया गया, 26 जनवरी 2022 को। अब के लिए सम्मानित किया गया है दलबीर सिंह सुहाग को, और किसने किया, बनवारी लाल पुरोहित ने, जो क्या है, पंजाब के राज्यपाल है, तो ये पॉइंट क्या करना आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर शराब की ट्रैकिंग के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू करेगा, तो क्या होगा इसमें, ट्रैक किया जाएगा और क्या होगा इसमें, ट्रेस किया जाएगा, यानी कि जो भी ये शराब की बोतल होती है इसकी हर एक बोतल को क्या किया जाएगा, ट्रेस यानी कि चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर होगा, चंडीगढ़ में, कहाँ होगा, चंडीगढ़ में। ठीक है, तो जो शराब वगैरह है ना, इसके लिए पहले हमारे मतलब हमारे यहाँ पर जो शराब पीने की आयु है वो कितनी थी, 25 वर्ष थी, लेकिन आप सभी को पता है हमारे विधानसभा में एक बिल पास किया गया था जिसके तहत इसकी आयु 25 से 21 वर्ष कर दी गई थी, किसकी, शराब पीने की। ऐसा तो सरकार करेगी क्योंकि सरकार को इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है, मतलब इसमें लोगों की भलाई थोड़ी कम देखी जाती है और खुद की भलाई ज्यादा देखी जाती है ना, तभी क्या कर दी उन्होंने, शराब पीने की आयु 25 से 21 वर्ष कर दी, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा रिवेन्यू कलेक्ट होगा। तो ये कब की गई थी, 31 दिसंबर 2021 को की गई, और इसके लिए जो बिल पास है ना विधानसभा में, इसके लिए स्पेशली एक बिल पास किया गया था, और वो कब किया गया, 11 फरवरी 2022 को। ठीक है, मतलब इसको कानूनी रूप से मान्यता दे दी गई थी। तो कब से कब तक हुई, 25 से 21 इसकी आयु 31 दिसंबर 2021 को घोषणा की गई थी, विधानसभा में बिल पास किया गया, बिल पास हुआ था 11 फरवरी 2022 को। और हमारे हरियाणा में सबसे पहले बार जब शराब बंदी लगी थी तो कब लगी थी, 1996 में, और कब तक रही थी, 1998 में, और किसके समय में लगी थी, ये बंसी लाल के समय में, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, हरियाणा राज्य में ट्रांसजेंडर लोगों की सुरक्षा के लिए एक सेल बनाई गई है जिसका नाम क्या रखा गया है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है, हरियाणा के खिलाड़ी कीर्ति ढुल ने सर्बिया में आयोजित इंटरनेशनल ग्लव्स बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में कपिल देव इन्विटेशनल गोल्ड टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। कपिल देव वही है जिन्हें हम क्या कहते हैं, हरियाणा हरिकेन, हमने इन्हें हरियाणा हरिकेन की उपाधि से सम्मानित किया हुआ है। आप सभी जानते हैं कपिल देव हरियाणा से नहीं है, चंडीगढ़ से है, लेकिन फिर भी हम इन्हें कहाँ का मानते हैं, हरियाणा का मानते हैं, सम्मान देने के लिए हमने इनको उपाधि से सम्मानित किया हुआ है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, गुरुग्राम में, कपिल देव प्लस कंसल्टेंट फॉर्म ग्रैंड टूर्नामेंट के द्वारा ये प्रतियोगिता होगी, और ये कहाँ पर की जाएगी, डीएलएफ गोल्फ एंड सेंटर क्लब गुरुग्राम में। तो
कब से कब तक होगी? 27 से 30 सितंबर तक। इसके बाद हरियाणा के किस व्यक्ति को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पुलिस पदक से सम्मानित किया है? तो ये कौन है? दलबीर सिंह सुहाग है, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? झज्जर के रहने वाले हैं। हरियाणा का कौन सा शहर शराब की ट्रैकिंग के लिए ट्रैक एंड सिस्टम शुरू करेगा? ठीक है, इसमें क्या होगा? शराब की जो बोतलें होंगी उनको ट्रैक किया जाएगा, ठीक है। तो ये चंडीगढ़ से बिलोंग कर, चंडीगढ़ में होगी। इसकी शुरुआत 25 से 21 आयु की कब की गई थी? शराब पीने की आयु 25 से घटाकर 21 कर दी गई। कब? 31 दिसंबर 2021 को। और 11 फरवरी 2022 से लागू कर दिया गया था इसको हमारे हरियाणा में सबसे पहले शराबबंदी 1996 में, और कब तक हुई थी? 1998 तक, जब हमारे हरियाणा में बंसीलाल की सरकार थी, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो मैं यहाँ पर और नोट कर देती हूँ, ताकि आपके एग्जाम में जितने भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, वो सारे जितने भी मैंने दो तीन दिन में नहीं कराए हैं वो सभी यहाँ पर कम्प्लीट हो जाए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम पढ़ लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में हिरण पार्क में ऑपरेशन थिएटर बनाया जाएगा, ठीक है। तो हरियाणा का ऐसा कौन सा हिरण पार्क है जहां पर क्या बनेगा? ऑपरेशन थिएटर। आपको पता है आपके हरियाणा में दो हिरण पार्क है, एक आपका हिसार में है, और छोटा हिरण पार्क अगर पूछा जाता है तो कहां पर है? वो महम में है, ठीक है। वैसे अगर आपसे हिरण पार्क ही पूछा जाता है तो आप हिसार टिक करते हैं, क्योंकि महम में जो बनाया गया ना हिरण पार्क वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये कब बनाया गया था हिरण पार्क? ये कहां पर ऑपरेशन थिएटर स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित होगा आपके हिसार में, ठीक है। कहां बनाया जाएगा? हिसार में। इसके साथ साथ 6 जिलों में और ये एक्टिव रहेगा, ठीक है। मतलब 6 जिलों में जितने भी आसपास के जो भी जीव जंतु हैं या जिन्हें किसी प्रकार की चोट लग जाती है, घायल हो जाते हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो वो सब उनके लिए जो सुविधाएं होंगी वो कहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी? इसी हिरण पार्क में उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है, कहां के? हिसार के। इसके साथ साथ हिसार के आसपास के जो 6 जिले लगते हैं उनमें भी ये सुविधाएं, वो मतलब आसपास के 6 जिलों के जो भी जीव जंतु है वो भी यहाँ पर आकर अपना मतलब ट्रीटमेंट, लोग उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर करवा सकते हैं। तो अब आप हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, हिसार का जो हिरण पार्क है वो कब बनाया गया था? 1970 में बना था, और कहाँ पर बनाया गया? हिसार में, ठीक है। ये आपका बड़े लेवल का है। और छोटा हिरण पार्क कब बना है? आपका 1985 या 1986, मतलब इन दो ईयर्स के बीच में बनाया गया था। और ये कहाँ पर? आपका महम में है, ठीक है। तो आपके आपको याद रखना है कि आपके यहाँ पर दो हिरण पार्क है, एक हिसार में है और एक कहाँ पर है? महम में है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। हरियाणा के किस व्यक्ति को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दिया गया है? अभी हाल ही में हमारी हरियाणा सरकार के द्वारा बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है, तो किसे मिला है? अजय शर्मा को। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? हमारे हरियाणा के सीएम ने इन्हें ये अवार्ड दिया है, और इसके साथ साथ इन्हें 50,000 रुपए की राशि भी पुरस्कार के तहत में दी गई है, ठीक है। कितनी राशि मिली है? पुरस्कार के रूप में 50,000 राशि मिली है। साथ में जिस तरीके से प्रशस्ति पत्र वगैरह दिया जाता है, या फिर कोई भी मतलब एक तरीके से सम्मान देने के लिए उसे वो शील्ड वगैरह सी दी जाती है, तो इस तरीके से इन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद हरियाणा राज्य में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, क्या लिखा है मैंने? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। किसने की है? अभी हाल ही में क्या की गई है? टीबी मुक्त भारत की, मतलब जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है उसकी जो शुरुआत है वो हमारे हरियाणा में किसके द्वारा की गई है? राज्यपाल जी के द्वारा, ठीक है। और ये कब की गई? 17 सितंबर 2022 को, ठीक है। वैसे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो हमारी हरियाणा सरकार है ना, इसने 2030 तक का टारगेट रखा था कि 2030 तक हरियाणा में, हरियाणा को क्या कर दिया जाएगा? टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ये मतलब स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देने लगा, तो हमारे हरियाणा के सीएम के द्वारा कहा गया कि इस टारगेट को बदलकर कितना कर दिया जाए? 2023 से 24 कर दिया जाए। अब जो टीबी मुक्त अभियान है ना वो कितना है? 2023 से 2024 तक है, 2030 नहीं है, ठीक है। ये पहले सेट किया गया था जो ये गोल था। और ये टीबी मुक्त भारत, टीबी फ्री चलाया गया था ना, तब यहाँ कौन आए थे? क्या चलाया गया था? मिशन टीबी फ्री। तो हमारे यहाँ पर आए थे अमिताभ बच्चन, और प्लस कौन थे? हमारे हरियाणा के सीएम। और ये कहाँ पर प्रेजेंट थे? हरियाणा हमारे गुरुग्राम में, ठीक है। तो मिशन टीबी फ्री की शुरुआत कहाँ से की गई थी? गुरुग्राम से की गई थी, ठीक है। और अब हमारे हरियाणा में जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है ना, इसकी शुरुआत कब की गई है? ये की गई है राज्यपाल के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का पहला हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित होगा आपके जींद जिले में, ठीक है। जींद जिले में इसको संचालित किया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? जो रेलवे होती है ना, रेल होती है, वो इससे चलाई जाएगी। तो हरियाणा का कौन सा जिला है जहाँ पर पहला हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा आपके जींद में, ठीक है। इसमें ये जो प्रोजेक्ट है कितने करोड़ का है? 118 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इसे मेधा सर्वो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है हैदराबाद की, इसे ये काम क्या कर दिया गया? हमारी हरियाणा सरकार ने ये काम सौंप भी दिया है, ठीक है। और ये मैंने नेक्स्ट अलग लिख दिया, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होगा, हरियाणा का पहला हाइड्रोजन जो प्लांट है वो कहाँ लगाया जाएगा, जींद जिले में लगाया जाएगा। इसके लिए 118 करोड़ की लागत आएगी और मेधा सर्वो प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद की कंपनी है, उसे ये काम सौंप भी दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा हरियाणा के किस जिले में हिरण पार्क में ऑपरेशन थिएटर बनाया जाएगा, जिससे जो घायल जीव जंतु है उनकी देखभाल की जा सके। तो बनेगा हरियाणा के हिसार के हिसार के डियर पार्क में। ठीक है, हिसार का डियर पार्क कब बना था, 1970 में। महम का डियर पार्क बना 1985 से 1986 में। इसके बारे हरियाणा के किस व्यक्ति को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दिया गया, तो उनका नाम क्या है, अजय शर्मा है। इनको हमारे हरियाणा के सीएम के द्वारा सम्मानित किया गया है, साथ साथ इनको 50,000 रुपए की राशि भी दी गई है। इसके बारे हरियाणा राज्य में पीएमटीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, राज्यपाल जी के द्वारा की गई है। ठीक है, आपको याद रख लेना है। इसके बाद हरियाणा का पहला हाइड्रोजन प्लांट कहाँ संचालित किया जाएगा, जींद जिले में संचालित किया जाएगा और ये इसके लिए जो काम है वो हैदराबाद की प्राइवेट कंपनी को इसका काम सौंप दिया गया। इसके बाद हमारे कुछ मेन और पॉइंट्स आ गए, वो भी मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देती हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है हरियाणा के किस जिले में एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा, क्या बनेगा, एक्वा पार्क। तो एक्वा पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, हमारे भिवानी में। ठीक है, कितने करोड़ की लागत आएगी इसमें, 30 करोड़ की लागत आएगी। और ये किसके लिए होगा, जो मछली होती है ना, मछली पालन, उसके लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर मछली उत्कृष्टता केंद्र भी है ना। अभी मछली पालन की इसमें क्या की जाएगी, नई किस्म जो होती है उस पर यहाँ पर रिसर्च की जाएगी इस एक्वा पार्क में। ठीक है, और इसका जो इस गठन है वो किसके तहत, मतलब इसको जो बनाया गया है वो किसके तहत बनाया गया है, पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत इसको बनाया जाएगा। और हमारे जो मत्स्य मंत्री है वो कौन है, आपको पता होना चाहिए, तो ये कौन है, जेपी दलाल है। ठीक है, जेपी दलाल और क्या क्या है, ये कानून मंत्री भी हरियाणा के। ठीक है, कानून मंत्री होने के साथ साथ आप सभी जानते हैं ये हमारे हरियाणा के क्या है, कृषि मंत्री भी है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में इनमें से भी पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर क्या होगा, जो भी ये मछली पालन इसके तहत जो भी मछली पालन के लिए काम करेगा तो उन्हें वो क्या कर सकते हैं, अपने वहां पर सोलर प्लांट भी लगा सकते हैं। ठीक है, हरियाणा में जो मछली पालन है उससे बिजली की खपत की समस्या, यानी कि जो मछली पालते हैं उनको जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी नीड होती है, तो उसके लिए इनको 4.70 रुपीज प्रति यूनिट, 4.75 रुपए प्रति यूनिट के तहत से मतलब बिजली दी जाएगी, थोड़ी सस्ती बिजली मिलेगी ने। तो हरियाणा के किस जिले में एक्वा पार्क बन रहा है, भिवानी में, 30 करोड़ की लागत से। और जब ये घोषणा की गई थी तो जेपी दलाल प्रेस में हमारे हरियाणा के सीएम यहाँ पर शामिल थे। मछली पालन की नई किस्म पर यहाँ रिसर्च की जाएगी और पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत इसको बनाया जा रहा है। हमारे हरियाणा के जो मत्स्य मंत्री है वो कौन है, जेपी दलाल है। सोलर प्लांट भी ये लोग लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, हरियाणा के किस जिले में देश में, यानी कि देश से रिलेटेड है, वैसे हमारे हरियाणा का जिला है परंतु देश में पहली बार युवा उत्सव आयोजित किया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के कौन से जिले में हो रहा है युवा, जो युवा उत्सव है इसका आयोजन कहाँ होगा, आपके करनाल में। ये हमारे हरियाणा का ही नहीं बल्कि देश का भी पहला है। और कब होगा इसका आयोजन, 28 सितंबर को। कौन सी संस्था इसको आयोजित करवा रही है, नेहरू युवा केंद्र के द्वारा इसको इसका जो आयोजन है वो कराया जा रहा है। ठीक है, जिला स्तर पर जो इसकी थीम है वो क्या रहेगी, युवा सांसद भारत @2047। ठीक है, तो क्या इसकी जो जिले स्तर पर, यानी कि करनाल का जो जिला है इसके स्तर पर इन्होंने थीम रखी है जिसका नाम क्या रखा है, युवा सांसद भारत @2047। ठीक है, और वैसे देश के लेवल पर पूछा जाए तो राष्ट्रीय एकता और एकजुटता इसकी थीम है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कौन सी चोटी पर 100 फीट लंबा तिरंगा झंडा फहराया गया है। ठीक है, तो हमारे हरियाणा के युवा हैं जिन्होंने क्या किया है, इतना 100 फीट का लंबा तिरंगा झंडा कहाँ पर फहराया, फ्रेंडशिप चोटी पर। ठीक है, तो ये वैसे तो किसके द्वारा, मेन नाम जो आता है इसमें नरेंद्र कुमार के, रेवाड़ी के रहने वाले हैं, परंतु कहीं कहीं पर इनका जो नाम है वो हिसार भी दिखाया गया। ठीक है, तो इसके साथ साथ 13 और सदस्य शामिल थे। अगर बात की जाए टोटल सदस्यों की तो इसमें 21 युवा शामिल थे और ये 4 प्रदेशों से थे। ठीक है, तो हाल ही में कौन सी चोटी पर 100 फीट तक का जो तिरंगा झंडा फहराया गया, फ्रेंडशिप चोटी कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है, 5289 मीटर ऊंची है और इसमें हमारे हरियाणा के नरेंद्र कुमार प्लस 13 अदर सदस्य थे। टोटल पूछा जाए तो 21 सदस्य इसमें शामिल थे। एक बार वापस से इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट है। हरियाणा के किस जिले में एक्वा पार्क बनेगा, तो बनेगा भिवानी में, कितने करोड़ की लागत से, 30 करोड़ की लागत से। ठीक है, सोलर प्लांट भी लगा सकते हैं यहाँ पर। किस जिले में देश में पहली बार युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो ये करनाल में होगा, 28 सितंबर को होगा, नेहरू युवा केंद्र के द्वारा इसका आयोजन कराया जा रहा है। इसकी जो जिला स्तर पर थीम है वो युवा संसद भारत @2047 है और वैसे इसकी थीम पूछी जाए तो राष्ट्रीय एकता और एकजुटता है।
हाल ही में कौन सी चोटी पर 100 फीट तक का जो तिरंगा झंडा है वो फहराया गया है, तो ये फ्रेंडशिप चोटी पर फहराया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास में हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे, मैंने सभी के सभी क्वेश्चंस एक ही क्लास में आपको करा दिए हैं। ठीक है, आगे भी जिस तरीके से रहेगा, या तो मतलब एक या दो दिन का करंट अफेयर मैं करा दिया करूंगी, या डेली का ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पर जितने भी मैं आपको कराऊंगी ना, एक भी क्वेश्चन आपका उसमें से रहेगा नहीं। मैं आपके सारे के सारे जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो सभी, अगर हमारी कोई क्लास रह जाएगी बीच में, तो सभी के सभी कंप्लीट मैं उसको आपको करा दूंगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।